चांदनी के ढाबे से हमने लिए, पकड़ पकड़ गरम शक्कर का। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह के बजे हैं 11 और हम निकल रहे हैं अभी चहल के लिए। चहल पहले से है, काली टिब्बा है और एक शिव टेम्पल है वहाँ पे जाएंगे आज। सो लेट्स गो। गाइज इस जगह का नाम है साधु पुल। ये एक पुल है और ये जो पीछे मेरे मार्केट देख रहे हैं, दिस इज साधु पुल। यहाँ पे एक छोटा सा वाटर पार्क है, ये एक दरिया है कुछ छोटा सा, साथ में एक वाटर पार्क है, कुछ होटल्स हैं सामने, ओयो का होटल है, एक कैंपिंग साइट्स हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है। एक वैली टाइप सी जगह है और सामने देखिए होटल्स कितने सुंदर हैं। सो दिस वॉज साधु पुल एंड ये जो रोड है ये जा रही है चहल एंड यस वी आर गोइंग टू चहल। सो लेट्स गो। Todos los días sueño contigo, quiero estar a tu lado todos। So, ये है चहल मार्केट और अभी पहले हम जा रहे हैं पैलेस, द चहल पैलेस, और उसके बाद जाएंगे मंदिर। So, this is the main entrance of the चहल पैलेस। तो हम आ गए हैं चहल पैलेस। ये मेरे पीछे पैलेस, यहाँ पार्किंग एरिया, ये लॉन एरिया है। तो आपको बता दूँ 500 पर पर्सन चार्ज किया इन्होंने हमें, तो 500 रुपया लिया हमसे, 500 रुपया लिया है 5 पर्सन्स के लिए फॉर विजिटिंग द पैलेस। और आप लोग जो भी हैं अपने ईटेबल साथ लेके नहीं आ सकते, आप अपना खाना वाना लेके साथ नहीं आ सकते, आपको यहीं पर ही कैफ़े से ही कुछ खरीद के खाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट अलाउड हेयर। और चलिए चलते हैं, देखते हैं पैलेस। पैलेस की कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है और जो पैलेस है उसके सराउंडिंग में आपको काफ़ी सारे देवदार और पाइन ट्रीज मिलेंगे, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द पैलेस। पहले तो देख लो बटो, इनके पास आ जाना ही है, पेमेंट तो नहीं कर देना होगा, नहीं तो घूमना पड़ेगा। तब तक देखो और फोटो ले। Everything is so royal. See the beautiful painting. It's
सो दिस इज द लॉन्च, दिस इज द बार। डिजाइनर्स महाराजा ऑफ पटियाला। कैसा लगा पैलेस? This is the dining area, I think. Yes, this is the dining area. So, अगर आप यहाँ पर रिसाइड नहीं कर रहे हैं, खाली पैलेस देखने आए हैं, तो यही नीचे वाला जो सिर्फ एरिया है, जो ग्राउंड फ्लोर है, खाली यही आप देख सकते हैं। और अगर आपको पूरा पैलेस देखना है तो वो सिर्फ जो है यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए ही, जो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं उनके लिए ये स्टेयर्स हैं उसके लिए। सो फॉर नाउ वी आर नॉट स्टेइंग हियर, हम वापस जाएंगे। एंड यस, दिस इज द रॉयल पैलेस, एक बार फिर देख लीजिए। एंड बस यही वाला एरिया जो है वो आप जो है विजिट कर सकते हैं व्हेन यू आर नॉट स्टेइंग हेयर। सो मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा है, ठंड ठंडा, कुछ लोगों ने तो स्वेटर्स भी पहनी है। दैट वाज द मेन एंट्रेंस ऑफ द पैलेस, दिस इज द वे टू दिस ब्यूटीफुल लॉन। बंदर बहुत है यहाँ पे। एंड यस, दिस ये जो ऊपर वाला फ्लोर है ये रेजिडेंट्स के लिए है, मतलब होटल एरिया है। तो ये पैलेस की बैक साइड, एक बार यहाँ से भी पूरे पैलेस का व्यू देख लीजिए आप। मौसम देखिए कितना प्यारा है, एक पूरे पैलेस का व्यू। यहाँ पे ये कैफे है, ये पर ये बंद है। यही वाला कैफे जो है अंदर है, जहाँ पे डाइनिंग एरिया मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, खा सकते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल लॉन ऑफ द पैलेस, दिस इज द पैलेस, दिस इज अस। एंड बस यही है चैल पैलेस। अभी निकले हैं और पैलेस से निकल के अभी जाएंगे हम काली माता मंदिर, जो काली टिब्बा जगह है वहां पे जाएंगे। और दिखा था सामने, अभी हम करेंगे कहीं पे पहले लंच करेंगे, आफ्टर दैट विल गो टू द काली माता मंदिर। इस तरफ एक गुफा है, होके आते हैं अंदर देख के आते हैं। So this is the first view of Kali Mata Mandir, Kali Da Tibba। ऐसा कि ये मंदिर पिछले 45 साल से आपने अकेले बनाया है? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। कुछ बताएंगे इस बारे में, कहाँ से शुरू हुआ ये सब?